सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको फौरी मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ जरीन फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं चिकन विंग्स की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा इजीली घर में तैयार हो जाती है और बहुत कम मसालों में आज मैं आपके लिए तैयार करने जा रही हूं। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिएगा और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए आइए देखते हैं विंग्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए तकरीबन हमने 1 किलो हमने ये विंग्स लिए हैं, ये देख लीजिए आप, इस तरह कटिंग करवा लीजिएगा आप कि हमने विंग्स लिए हैं 1 किलो। और तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने ये कॉर्नफ्लोर लिया है और 2 टेबल स्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है यानी काली मिर्चों का पाउडर, और 1 टीस्पून या हसबे ज़रूरत हमने ये नमक लिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तमाम चीज़ें इसमें मिला लेंगे, बहुत मुख्तसर चीज़ों के अंदर हम ये बना रहे हैं और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही हमने नमक भी डाल दिया और अब ये कॉर्नफ्लोर भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं ये, बस इनको हमने मसाला लगाना है, तमाम चीज़ें डालनी है और हमने इसको फ्राई करना है। अभी देखिए अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इनको फ्राई करने जाते हैं। अब देखें, ऑयल हमने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था, अब हम तमाम चिकन विंग्स इसके अंदर डालते हैं एक एक करके। अब हम इसको तकरीबन दरमियानी आंच पे हम इसको बनाएंगे ताकि अच्छी तरीके से ये गल जाए। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं हमने रखनी है इसकी, बिल्कुल हल्की आंच पे, दरमियाने से थोड़ी कम आंच पे हम इसको पका रहे हैं। जब एक हिस्सा हो जाएगा तब इसको पलट देंगे। अभी देखिए हमने इसको 3 से 4 मिनट हमने एक साइड बना ली है, अब इसको हम पलटते हैं, सबको हम पलट लेंगे। अब दूसरी साइड पे हम इसी तरीके से पका लेंगे। अब देखें ये पक चुके हैं और ये आप ये देख सकते हैं इस हड्डियों ने बहुत तोड़ दिया है, यानी कि बिल्कुल ये गल चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे सबको और फिर हम जितने भी हमारे बचे हुए विंग्स हैं हम सबको इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये हमारे मज़ेदार से चिकन विंग्स तैयार हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।